टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम इलेवन ऐप के दूसरे वीडियो में। तो आइए आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स इस वीडियो में कि ये ऐप में आप कैसे एक टीम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टीम को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं। फिलहाल हम जानेंगे कि कैसे हम टीम बना सकते हैं इस ऐप में। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन तरह का टैब है, फिक्स्चर, लाइव, रिजल्ट। तो यहाँ पर फिक्स्चर्स में बहुत सारे टीम के बारे में बताया गया है कि किसके किसके बीच मैच होने वाला है। फिलहाल आज जो है, आज साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मैच होने वाला है, और उसके बाद जो है 24 मिनट्स में होने वाला है इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच होने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे मैचेस के बारे में यहाँ बताया गया है। अब आपको किस मैच में लगाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में। यहाँ पर मैं टैप करता हूँ, इसमें मैं लगाऊँगा। तो इसमें मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक टीम बनाना पड़ेगा पहले। तो टीम बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में, नीचे की तरफ देखिए माय टीम्स है, माय टीम्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ही ऐड टीम में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड टीम में मैं क्लिक किया, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको चार ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स। चार ऑप्शन में अलग अलग प्लेयर्स दिए गए हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के ही। तो यहाँ पर पहला जो विकेट कीपर है वो यहाँ पर दिया गया है MS धोनी, सरफराज अहमद, दिनेश कार्तिक। तो आपको इन तीनों में से कोई भी चूज़ करना है। यहाँ पे आपको 100 क्रेडिट्स मिलता है, इस 100 क्रेडिट्स में ही आपको चूज़ करना पड़ेगा प्लेयर, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, और 11 प्लेयर आपको चूज़ करना है। तो आप यहाँ पे एकदम सोच समझ के आपको चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट्स दिया गया है प्लस यहाँ पर क्रेडिट्स दिया गया है। क्रेडिट जो है 9, 8.5, 9 यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आपको चूज़ करना पड़ेगा, यहाँ टोटल 100 क्रेडिट है। तो पहले मैंने चूज़ किया है MS धोनी, चलिए इसे मैं हटाता हूँ, MS धोनी को चूज़ करता हूँ। उसके बाद बैटिंग में मैं किसे चूज़ करूँ, तो यहाँ पे मतलब आप जैसा प्रेडिक्शन करेंगे वैसा आप यहाँ पे टीम बना सकते हैं। यहाँ पे बैट्समैन में आप चूज़ कर सकते हैं किसी को भी, जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ किया, कोई सा भी आप चूज़ कर लीजिए बैट्समैन में। और यहाँ पे बॉलर में आपको जो जो लगता है वो चूज़ कर लीजिए फ्रेंड्स, मैं जो सा भी मतलब चूज़ कर ले रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ कोई सा भी। तो टोटल जो है यहाँ पे मेरा अभी हुआ है 10, आप देख सकते हैं मुझे 11 करना है। तो 8.5 मेरा जो क्रेडिट है वो ले नहीं रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7.5 वाला लेना पड़ेगा क्योंकि 8 क्रेडिट यहाँ पे नहीं हो रहा है मेरा। तो फ्रेंड्स, मेरा 11 जो प्लेयर्स है वो चूज़ हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विकेट कीपर भी हो गया, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो अब आपको नेक्स्ट में टैप करना है। नेक्स्ट में टैप किए, अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, मतलब सी मतलब कैप्टन, वी सी मतलब वाइस कैप्टन। तो कैप्टन अगर जिसको आप बनाएंगे उसमें आपको डबल पॉइंट मिलने वाला है, जो भी पॉइंट नॉर्मल प्लेयर को मिलेगा उससे आपको डबल पॉइंट जो है कैप्टन को मिलेगा, अगर वो कैच लेता है या फिर अगर वो विकेट लेता है, अगर वो मतलब सिक्स मारता है तो उसमें डबल पॉइंट कैप्टन को मिलने वाला है। वाइस कैप्टन को 1.5 गुना पॉइंट मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एकदम सोच समझ के कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है चूज़ करना पड़ेगा। तो महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे मैं कैप्टन इनको चूज़ करता हूँ क्योंकि ये जो है विकेट कीपर भी हैं, तो अच्छा पॉइंट ये गेन कर सकते हैं, अगर ये वहाँ कैच ले ले तो अच्छा पॉइंट यहाँ पे गेन हो सकता है। यहाँ वाइस कैप्टन मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, किसी को भी जैसा आप चूज़ कर पाएँ, आपके ऊपर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लिया वाइस कैप्टन और कैप्टन। अब सेफ टीम, यहाँ पर क्लिक करना है सेफ टीम में, आपने सेफ टीम कर दिया, अब आपका जो टीम है रेडी हो गया। अब करना आपको क्या है फ्रेंड्स, अब आपको करना ये है कि कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। कॉन्टेस्ट ज्वाइन यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा माय टीम्स के बगल में। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत बहुत सारा कॉन्टेस्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा कॉन्टेस्ट मैं खेलूँ। यहाँ पे सबसे कम प्राइस का भी है, ज़्यादा प्राइस का भी है, देखिए यहाँ पे 4 रुपीज़ का भी कॉन्टेस्ट है,
4 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट है, यहाँ पे भी 4 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 8 रुपीज़ का है। तो आप ये मत सोचिए फ्रेंड्स कि इसमें ज़्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट में मैं ज्वाइन किया, ये देखिए ये आया, तो यहाँ पे टीम सेलेक्ट करने को बोल रहा है, टीम 1 या टीम 2, कौन सा टीम के साथ आप मतलब कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे टीम 2 मैं कर दिया ज्वाइन कॉन्टेस्ट। ज्वाइन कॉन्टेस्ट में अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं उस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो जाऊँगा और मेरे अकाउंट से 4 रुपये का मतलब कट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप एक टीम तैयार करके एक कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो सकते हैं बस फ्रेंड्स, और आपको कुछ भी नहीं करना है, और बस आपको खेला देखना है, खेल होता रहेगा, आपका जो प्लेयर है अगर अच्छा खेले, अगर अच्छा वो परफॉर्मेंस दिखाए तो आपका पॉइंट बढ़ता जाएगा, आपका रैंक बढ़ता जाएगा और आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि किस तरीके के प्राइजेस आप जीत पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए विनर्स, विनर्स में आपको जाना है, विनर्स में देखिए यहाँ पे रैंक 1, रैंक 1 में आपको 1000 रुपीज़ मिलता है अगर 2 रुपया आप लगाएं। एंट्री फ़ीस यहाँ पे 2 रुपये, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंट्री फ़ीस 2 रुपये है। 16,000 विनर्स हैं। तो रैंक 1 में अगर आप आते हैं तो 1000 रुपीज़ आपको मिलेगा, रैंक 2 में 500, रैंक 3 और 4 में आपको मिलेगा 150 रुपये, 5 से 10 तक आपको 100 रुपये। तो इस तरीके से 16,000 के रैंक में भी अगर आप आ जाते हैं तो आपको 5 रुपये मिलता है, मतलब 2 रुपये आपने लगाया और 5 रुपये आपको मिला, 3 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जितना लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ड्रीम 11 ऐप जो है कैसे यूज़ करना है, कैसे टीम बनाना है, कैसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है और बाकी जितना भी कुछ था सब मैं आपको बता दिया फ्रेंड्स। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई भी परेशानी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि उसमें क्या क्या, अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो उस कन्फ्यूजन को उस अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं वो ऐप तो जल्दी से उस डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।